ने मेरे पति को सजा नहीं दी तो आप अपने राव से सारे रिश्ते तोड़कर मेरे साथ संन्यास लेंगी। वादा करो हमसे। वादा करते हैं। तुम्हें जो करना है करो काशी, लेकिन जल्दी करो। मैं अपनी बेटी को संन्यास लेते हुए नहीं देख सकती। ये क्या कर डाला तुमने काशी? संन्यास का मतलब जानती हो ना तुम? जानते हैं राम, लेकिन बात बात पर हम औरतों के रिश्ते दांव पर लगते हैं। अरे समझते हैं हम भी भाई की तकलीफ, और ये न्याय की जिम्मेदारी जो हम पर आ पड़ी है वो भी समझते हैं, और न्याय त्याग मांगता है, और उसकी जो भी कीमत होगी हम वो चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी पेशवाई पर दाग नहीं लगने देंगे हम। सूर्या जी, अब और देरी नहीं, व्यू भाई के पति को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन पेशवीन भाई, उन्हें गिरफ्तार करने का परिणाम जानती हैं आप? पेशवाई का अंत। परिणाम के बारे में हमने अच्छी तरह सोच लिया है, और हमारा फैसला अब भी वही है। वैसे भी जो पेशवाई ऐसे मर्दों के कंधों पर टिकी हो, अच्छा है ऐसी पेशवाई का अंत ही हो जाए। पेशवीन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम सूर्या जी। न्याय का मूलधन से हमेशा ज्यादा ही होगा। अपराध को सोने चांदी में क्यों ना तोल दो, धर्म के सामने हल्का ही पड़ेगा। किस तरह का समाज बना रहे हैं हम लोग? पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है, कैसियों के साथ संबंध बना रहा है, और उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजकोष के साथ साथ न्याय का भी मुंह उसने अपने धन से बंद करवा दिया ना। पत्नी की कहीं सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सब बिक चुके हैं। पेशवाई चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, मानते हैं, लेकिन हमारी पेशवाई बिकाऊ नहीं है। व्यू भाई के पति को यहां आकर जवाब देना ही होगा। सूर्या जी, लेकर आइए उन्हें हमारे सामने। अगर आपकी बात मान भी ले जाए तो भी इतनी जल्दी, यानी एक रात में उन्हें यहाँ लाना मुमकिन नहीं है। पेशवीन भाई, उनकी पत्नी अपने भाई बाजीराव बल्लाड़ के पास आ गई है, ये बात सुनते ही वो मुगलों से जा मिले। दुश्मनों के यहाँ शरण मिली है उन्हें, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। समय लगेगा पेशवीन भाई। कोई समय नहीं लगेगा। मैं जल्दी आपके अपराधी को आपके सामने पेश कर दूंगा पेशवीन भाई। पेशवा सरकार आप जाएंगे, वो मुगलों के खेमे में है इस वक्त। अगर एक औरत के मान और सम्मान के लिए पेशवीन भाई इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आप बस महासभा की घोषणा कीजिए, मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। बाजीराव बल्लाड़ आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। श्रीमंत, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ ने खुद कहा है कि वो अपराधी को लेकर ही लौटेंगे। उनके ये शब्द किसी वचन से कम नहीं। तो अब आप निश्चिंत होकर महासभा की तैयारी शुरू कीजिए। अद्भुत
सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण न्याय की सभा होने जा रही है। इस निर्णायक फैसले के एक तरफ पुणे के सबसे धनी साहूकार और शक्तिशाली आबाजी पंत नाइक जोशी और दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव बल्लाल की सगी बहन पीयूबाई आबाजी पंत नाइक जोशी होंगी। सभी पुणे वासियों को साक्षी मानकर निर्णायक फैसला करेंगी। क्या यह कम है कि मुझे शोक के वस्त्र पहनने पड़े? जब मेरी बेटी ये बेरंग का रंग ओढ़ेगी, मैं ये होने नहीं दूंगी भ्यू, ना तो तुम्हें ये करने दूंगी और ना ही काशी को मनमानी करने दूंगी। याद रखना, अगर तुमने ये किया ना, तो मैं भी ये घर संसार सब छोड़ दूंगी, समझ लेना। लाडू, तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? जरा भी डर नहीं लग रहा है तुम्हें? हर बार तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हो। जब से राव हमारे साथ सभा में आए हैं, सारा डर खत्म हो गया हमारा। जिस तरह से राव ने कहा कि अगर हम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं, देखा नहीं तुमने? जिस तरह हमारे संन्यास जाने की बात पर वो परेशान हो गए, सब समझ गया। लेकिन अब ये बताओ कि तुम उस आदमी को दंड कैसे दोगी? सब हो जाएगा गंगा, पहली बार राव हमारे साथ खड़े हैं, पहली बार हम दोनों कोई काम एक साथ कर रहे हैं। देखना, इस बार गणपति बाप्पा हम दोनों पर अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगे। ये लीजिए पेशवन भाई, आपका अपराधी। यकीनन पेशवा बाजीराव बल्लाड़ किसी भी मोर्चे में असफल नहीं होते। तो क्या ये बात तुम्हारे लिए भी कही जा सकती है कि काशीबाई कभी असफल नहीं होती? सूर्या जी, अपराधी से कहिए जब बोलने को कहा जाए तभी बोले। जुबान औरों की बंद होती है मेरे सामने। काशीबाई नहीं, पेशवन भाई को, वो भी अदब से। बाजीराव साले हो तुम मेरे, इसलिए एक बात समझ लो, ऊंचा स्थान औरतों को शोभा नहीं देता, ना घर और ना बाहर। अच्छा किया जो उसे वहां खड़ा रखा है, गद्दी पर नहीं बैठाया है। लेकिन उसकी जरूरत भी क्या है, श्रृंगार करे और रसोई में जाने कहो इसे। बाजीराव, मैं औरतों से बस उतनी ही बातें करता हूं जितनी की जरूरत हो, इसलिए आइए आप, मैं और आपके सभी मंत्रियों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि इसे कहां राजनीति का ज्ञान है और ना ही राजपाट का। अरे इसे अगर 100 तक गिनती कही जाए तो वो भी ना हो, ये क्या बताएगी कि कर्ज कितना है? क्यों सारे पुणे के सामने अपने कर्ज का पोल खोलना चाहते हो? यहां हमारी तरफ देखकर बात कीजिए, वहां नहीं। हम औरत हैं तो खुद को श्रेष्ठ और हमें कम मत समझिए। जहां खड़े हैं ना, वहां से आप और मैं दोनों एक बराबरी हैं। अच्छा, बराबरी पर हैं?
ये संदूके देख रही हो, ये संदूके नहीं चट्टान है, चट्टान तुम्हारे और मेरे बीच। पहले इस संदूकों को धन से भरो और इस चट्टान को पार करो, तब कहीं जाके बल्लाड़ परिवार का कर्ज उतरेगा, तब कहीं जाके हम दोनों के बीच ये धन की जो जो रेखा है वो खत्म होगी, और तब कहीं जाके हमारी बराबरी होगी, और तब न्याय करना। अपराधी हो तुम यहाँ के, शर्तें रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पेशिन भाई, आप निश्चिंत होकर इसे दंड दीजिए। तो देर किस बात की, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी विचार विमर्श के और बिना किसी जांच पड़ताल के दे दो दंड। लेकिन एक बात समझ लो, इस पूरी सभा में तुम अपनी ननद का बेशर्मी से पक्षपात कर रही हो और ये सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकेगा मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा। ये जो युद्ध लड़े गए थे ये हम सब लोगों के लिए लड़े गए थे, हम सब औरतों की सुरक्षा के लिए लड़े गए थे। तो आपके कर्ज का भार हम सब पर है, आपका कर्ज पेशवाई पर है, यानी कि हम सब लोगों पर, और पेशवाई में हम भी आते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। सूर्या जी, लो हो गया आपका कर्ज चुकता। मायके में बेटी की शादी को कर्ज माना जाता है और फिर उसके बाद जीवन भर मायके वाले दामाद के आगे सर नहीं उठा पाते, लेकिन इस मजबूरी को हम नहीं मानते। आज अगर हमारी बहन को प्रेम और आदर से रखते तो आपकी जगह सर आंखों पर होती, लेकिन आपने क्या किया, अपने पत्नी के साथ बदसलूकी की, धन की गर्मी दिखाई, लेन देन की बातें की, साहूकार की बेटी है हम, लेन देन हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देख लीजिए और गिन लीजिए, आपकी एक एक पाई चुकता हो गई है। पेशवाई पर जो आपका कर्ज था वो उतर चुका है, तो बताइए क्या लगता है आपको, आपने जो ये हरकत की है क्या एक अच्छे घर के पुरुष को शोभा देती है? ये हमारे घर की बात है, बाहर वाले को इससे नहीं पढ़ना चाहिए। काश ये बात मेरी पत्नी समझ पाती। सुनो और कान खोल कर सुनो, ये आपका धन, ये कर्ज आपके सामने पड़ा है, ठीक? अब एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, यहाँ क्या बोलना है, किसे बोलना है, ये हम तय करेंगे, आप नहीं।
हिंदू राष्ट्र चलाते हैं हम, और यहाँ घरेलू हिंसा नहीं सही जाएगी। अब जो पूछा गया था उसका चुपचाप जवाब दीजिए। रखो अपना पक्ष। हाथ कैसे उठाया आपने एक स्त्री पर? गुहार लगाई है आपकी पत्नी ने न्याय की। आभाजी पंत इस मराठा साम्राज्य की और खासकर यहाँ की बहुत बड़ी खूबी है, यहाँ पर औरतों पर जुल्म करना वर्जित है। दूसरी स्त्री की रूप वासना में उसकी मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने घर की लक्ष्मी का मान सम्मान करना भूल गए। क्या लगा आपको आपका रुतबा बढ़ेगा इससे? हम आपकी मां नहीं है जो आप आपको संस्कार देंगे, लेकिन इस वक्त हम न्याय के पद पर खड़े हैं और आपको बस इतना बता सकते हैं कि अन्याय, अत्याचार, अपमान, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा दंडनीय अपराध है। मैं धनी हूं तो क्या 100 स्त्रियां रख सकता हूं? बड़े बड़े खानदानों में ऐसा करते हैं, तो मैंने कौन सी गलती कर दी? वासना और व्यसन की मद में डूबे पुरुष को समझाना भी मुश्किल है और अपमानित करना भी। संतान नहीं है ना आपकी? अगर संतान होती ना और अगर बेटी होती तो आप भी किसी नशे में धुत घमंडी आदमी के आगे भीख मांग रहे होते, और तब आपको समझता कि एक बेटी को विदा करते वक्त माँ अपना कलेजा काट कर रख देती है। तब आपको हम भी किसे समझा रहे हैं? पुरुषत्व की नहीं, पुरुषार्थ की बात कीजिए। एक तरफ है आप और एक तरफ हमारे पति। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हमेशा जीत देखी। शाहू महाराज हमें और पूरे मराठा साम्राज्य को बाजीराव पर गर्व है, जो अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्तियों को अपने लोगों के संरक्षण में लगाते हैं। इन्हें तो अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए किसी और स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 7 वचनों को तोड़ने से ज्यादा हिम्मत 7 वचनों को निभाने में लगती है। यहां खड़े पूरे समाज से पूछिए कौन बड़ा है, कौन महान है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आपने जो किया है ना वो मुंह छुपा कर किया जाता है, और जो हमारे राव करते हैं उसे छाती चौड़ी करके किया जाता है। चुनाव आप चाहे जो करें, एक बात तो हम जानते हैं, चाहे आपको जो सजा दे आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हमने कहा आज हमारी पुणे की स्त्रियां रसोई में जाने के लिए नहीं आई है, वो आज आतुर हैं आपका फैसला करने के लिए। माफी मांगो अपनी पत्नी से, गलती स्वीकार करो अपनी। सुन रहे हो ना इनका आक्रोश? दे दे तुम्हें दंड आबाजी पंत। पेशवे भाई, मानते हैं हम कि गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए मुझे, भटक गया था मैं। अब जब सारे प्रदेश के सामने आपने अपना गुनाह मान लिया है तो हमने तय किया है आपकी सजा ये होगी। शांत Thank you.
हमने तय किया है कि आपको सजा देने का अधिकार सिर्फ आपकी पत्नी को है। अनूठी हो तुम काशी, तुम्हारा यही अनूठा अंदाज सबका मन मोह लेता है। जिस विवाद का हमें कोई हल नहीं मिल रहा था, उसे कितनी सुंदरता से तुमने हल कर दिया है, वो भी बिना किसी नुकसान के।